जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ अप्सरा साधना के ऊपर ही। उससे कुछ अनुभव के ऊपर मैं वीडियो ही बना रहा हूँ आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। दूसरा, वीडियो को स्किप ना करें, अगर स्किप करेंगे तो कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सत्य और प्रामाणिकता के आधार पर ही मैं बनाता हूँ। ये झूठी कपोल कल्पना जो है ना मुझे खुद पसंद है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो मैं इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आया हूँ कि कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि जो मैंने अप्सरा साधना के ऊपर जो भी मैंने अपने अनुभव डाले थे उस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। अब क्वेश्चन क्या उठाए हैं कि किसी व्यूअर ने मुझे बोला था कि ये बोलते हैं कि अप्सरा साधना में कि अपने अनुभव अपने नहीं बताने चाहिए, अगर आप अपने अनुभव बता देते हो तो फिर साधना चली जाएगी आपकी, अप्सरा आपको छोड़ करके चली जाएगी। और फिर आपने अनुभव कैसे बता दिया, आपने आपने जो अपने अनुभव डाले हैं वो आपने कैसे डाल दिए, इसका मतलब आप ऐसे ही कपोल घटना का आपने डाल दिया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो इस बात को पूछ रहे हैं मुझसे, अगर वो समझते हैं कि कपोल घटना है तो फिर आप कपोल ही समझे सारी सामग्री को। जो भी मैंने बताया है, यो जो भी साधना मैं दे रहा हूँ उसको बिल्कुल एकदम गल्फ समझें आप, और आपको चैनल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो आपके अंदर विश्वास है, ना आपके अंदर धैर्य है, ना आपके अंदर साधनाओं को समझने की जो अपने अंदर माइंड होता है उस साधनाओं को समझने का नहीं है आपके अंदर। तो इसलिए आप वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आपका देखना बिल्कुल गलत है, ना ही देखें आप तो बढ़िया है फिर। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अप्सरा साधना के मैंने अनुभव डाला है वो एकदम 100% सत्य है। अब आती है आगे की बात कि भाई मैंने क्यों डाल दिया, तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देना चाहता हूँ। और मैंने उनको बोला भी था कि अप्सरा साधना का अपना अनुभव आप कब तक नहीं डाल सकते, जब तक आप साधना कर रहे हो तब तक आप अपनी साधना का अनुभव नहीं डाल सकते। जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो आप बता सकते हो, और जो आपकी और अप्सरा की जो भी बात हुई होगी आप उसको नहीं बता सकते। तो आपने गौर भी किया होगा कि मैंने वो चीज़ नहीं बताई है उसमें, लास्ट में उस चीज़ को मैंने बिल्कुल नहीं खोला है। तो आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि पता नहीं कौन कहाँ पे यूट्यूब पे देख करके और दुनिया भर के चैनल चले हुए हैं, किसी को जानकारी कुछ है नहीं और बस उठा करके मुंह चले आए, सीधा अप्सरा का ज्ञान देने लगे, और उनकी वीडियो देख करके आप भी भ्रमित हो गए हो। भाई मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप अपने अनुभव शेयर कर देते हो किसी के साथ, साधना संपूर्ण होने के बाद कर सकते हो, और वो भी सिर्फ अनुभव अनुभव, आपकी क्या बातें हुई हैं साधना के लास्ट में देवी के साथ में वो बात आप शेयर नहीं कर सकते।
और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि तो सिद्धि तो चली जाएगी, देवी आपसे रूट करके चली जाएगी। तो भाई ठीक है, देवी मुझसे रूट करके चली गई तो फिर आपको क्या परेशानी है? आपको तो कोई परेशानी नहीं, जो आप तो इसको बात को बिल्कुल एकदम गलत समझे, तो इसलिए आप वीडियो को ना देखें ही ना बिल्कुल भी, और उसके बारे में फिर चर्चा भी ना करें। आपको जहां अच्छा लगता है, जिस YouTube पे तुमको अच्छा लगता है, जिस चैनल पे तुम्हें अच्छा लगे कि भाई यहां मुझे सही जानकारी मिल रही है, और वो वहीं से लें। दूसरी बात, ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, कलयुग है, ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं कि जो झूठ मूठ का ड्रामा करेंगे, इधर उधर की बातें फैलाएंगे और फिर आपसे पैसा ऐंठेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी आपसे कहने लगूं कि साधना का चार्ज 2,000 रुपये 10,000 रुपये है, अभी आप मुझे बढ़िया कहने लगोगे। सच्चाई है ये। आप किसी दुकान पे चले जाओ, वहां जाकर के आपने कहा कि ये सामान कितने का है, दुकानदार ने बता दिया रेट इतने का है, 100 रुपये का है, कुछ और अच्छा सा दिखाओ, क्योंकि समझ नहीं आया ना आपके, कुछ और बढ़िया दिखाओ। उसने उससे थर्ड क्वालिटी का दिखा दिया, रेट बता दिया 400 रुपये। आप समझोगे बहुत बढ़िया है, क्यों? रेट 400 बता दिया ना, 400 दोगे, देकर के चले आओगे और सामान भी ले आओगे। तो दुनिया ऐसी ही है, आजकल जो इंसान की फितरत हो चुकी है ना, वो इसी टाइप की है कि वो कटेगा भी और फिर उसके बाद में वो बढ़िया भी उसी को कहेगा। ठीक है, ये तो रही एक बात। अब आती है दूसरे नंबर की बात कि अप्सरा साधना के अनुभव, अगर कोई बता देता है, कहते सिद्धि चली जाती है, भाई सिद्धि कैसे चली जाएगी? पहली बात तो तुम में दम होना चाहिए। अरे यार एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारे घर की पत्नी है, तुम उस पत्नी पे कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गिड़गिड़ाते रहते हो, मिमियाते रहते हो उसके सामने। अगर वो एक बार जवान से निकाल करके बोलेगी ना, कहाँ थे, इतना टाइम कैसे लगा दिया, इतना आने, इतनी दूर से आने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, कहाँ रुक गए थे? कुछ नहीं, मैं तो यहीं पे था, बस थोड़ा सा रास्ते में टाइम लग गया। अभी तो अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो जल्दी तो आ गया हूँ। तो भाई वो भी सिर पे चढ़ के बैठ जाएगी। तो इसलिए ना, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। आप किसी चीज़ को, और वही चीज़ उसमें भी लागू होती है अप्सरा साधना में, अगर आप रोते गिड़गिड़ाते मिमियाते हुए साधना करोगे ना, तो सफल नहीं होगी। और मैं अपने गुरु भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ, जिनका कि ये सन्यासी नाम है, और वैसे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने गुरु भाइयों से, कि हम उस गुरु के शिष्य हैं कि जो रोते मिमियाते गिड़गिड़ाते हुए साधना नहीं करते। अगर ना आए तो कोई तो खींच करके ले आते हैं फिर हम, और यही हमारे गुरु का कहना है कि रोते गिड़गिड़ाते मिमियाते हुए साधना मत करो अप्सरा यक्षिणी किन्नरी। हाथ जोड़ने से नहीं होगा कुछ भी, दमखम के साथ करो, कैसे नहीं आएगी, खींच लेंगे हम उसको, ये हमारे गुरुदेव का कथन है। और जब भी साधना करो इनकी, तो वीर भाव में बैठ करके करो, फिर देखते हैं फिर कैसे नहीं होता। तो ये सब ना, ये सब जो YouTube पर एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि ऐसे करो वैसे करो, हाथ जोड़ो, अंग पूजन करो, फलाना पूजन करो, अरे भैया कुछ नहीं है, तुम बैठ करके मन के अंदर, हाँ एक बात मैं फिर भी कहूँगा कि आप जो भी साधना कर रहे हो इनकी, वो आपको दिल से करनी है, एक प्रेम दिखा करके करनी है, प्रेम होना चाहिए अंदर से। और लेकिन
उसमें भी प्रेम के साथ साथ भी संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, वासनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए। कैसे नहीं आएगी? क्या बोल दिया कि नहीं आएगी, सिद्धि चली जाएगी। कैसे चली जाएगी सिद्धि? चली जाए सिद्धि, खींच करके ले आएंगे दोबारा। तो ये वो चैनल नहीं है जो दो दो हजार रुपये माला के ले लेते हैं और दो दो हजार रुपये आपके यंत्र के लेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित आपको मिल जाएगा, साधना करो। ये वो चैनल नहीं है। इस चैनल पे आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और अगर इस चैनल पे अगर आपको गुरु दीक्षा भी दिलवाई जा रही है ना, तो वो भी वहीं से दिलवाई जा रही है जहां पे जहां के हम शिष्य हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये कि इस तरह का कमेंट ना करें। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो चैनल छोड़ के जा सकता है। यहां सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत है जो साधनाओं में अपने भाव रखते हैं और साधनाओं को समझते हैं, करते हैं और विश्वास रखते हैं। क्योंकि गुरुदेव का सीधा सा कथन है कि आप साधना करो, इनकी प्राइमरी क्लास की साधना है, बहुत सरल भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। अब सरल कैसे है कि बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है, कठिन कैसे है कि साधना पूर्ण नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? क्योंकि जब तक आपके अंदर वासना का भाव रहेगा ना, जब तक आपके अंदर सौंदर्य को सौंदर्य की तरह दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक साधना सिद्ध नहीं होगी। कोई मतलब ही नहीं होता कि आप साधना सिद्ध कर लो। और YouTube पे ना दुनिया भर की वीडियो देख 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 करके सामग्री मंगा करके और का साधना कर रहे हैं, 21 21 दिन हो गए, 3 3 महीने हो गए, 6 6 महीने हो गए करते हुए, अनुभव तक नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके अंदर जो भावना है ना, उनके अंदर भावना तो उनको पत्नी बनाने की है, उनके साथ संभोग करने की है। और जब ये भावना रहेगी तो वो देवी आ जाएगी तुम्हारे सामने? नहीं आएगी, वो किसी भी सूरत में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास भी चमत्कारिक शक्तियां हैं। और फिर आप कहोगे कि साधना की हमने, यंत्र भी गलत है और माला भी गलत है, मंत्र भी गलत है, सब कुछ गलत है, ढकोसला है, सब कुछ नहीं होता। अरे कुछ कैसे नहीं होता? लेकिन अब इस तरह के, और फिर वही लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, वही लोग ये इस तरह बोलते हैं। मैंने सीधा सा कहा है वीडियो में, मैंने कोई भी अपने गुरु की कसम नहीं खाएगा, पहली बात तो ये। और चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि तो मैंने अपने अनुभव आपको दे दिए। किस लिए दिए? जिससे कि आपको पता लग सके कि भाई इसमें होता क्या है, आप थोड़ा सचेत हो सकें उस चीज से। आप जब साधना करेंगे तो आपको अनुभव, मेरे अनुभव काम आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप साधना करने बैठोगे तो आप मेरी वीडियो देख करके, आपने मेरे अनुभव सुने हैं, तो आप थोड़ा सा सचेत रहोगे कि ऐसे अनुभव आ सकते हैं और आपके सामने आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैंने डाला था। और दूसरी बात रही है, सिद्धि मेरी चली जाए तो चली जाए, दोबारा मैं खींच लाऊंगा अपने आप, ले लूंगा मैं दोबारा सिद्धि वापस। लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इस तरह के कमेंट करने की जरूरत है। तो सीधा सा मतलब मेरा कहने का ये था कि देखिए, अप्सरा साधना में आप जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के करें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना जो भी अनुभव आते हैं वो थोड़े डरावने भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आप तो उस तरीके से जो, देखिए मैं बताऊं आपको, जो जिस तरीके से मैंने साधना की है ना, मैंने उसमें बताया है मैंने किस तरीके से की है, साफ क्लियर बताया है, करके देखो ना उस तरीके से। ये बिल्कुल वामाचारी की तरीके से हो गई थी, आप देखो उसमें कि मैंने किसी तरह का भी कोई भी प्रतिबंध अपने ऊपर नहीं लगाया, ना तो मैंने कभी लहसुन प्याज छोड़ा, खा लिया था उसमें रहे साधना में। और उसमें मैंने कभी भी किसी तरह का कोई भी इस तरह का मतलब नियम नहीं अपनाया है बिल्कुल भी।
यहां तक कि मैंने कोई वासनात्मक भाव भी नहीं छोड़ा और उठा करके साधना करनी स्टार्ट कर दी। हर तरह से मैंने पूरे साधना काल में पूरा जो मैंने नियम कुछ भी नहीं किया है, तो देवी क्या मुझे पूजने आएगी? वो मेरे सामने भिनभिना करके आएगी, और इसीलिए मेरे सामने ऐसे अनुभव आए। आपका जो बोल रहे हैं ना कि गल्फ है, करके देखो ना, पेशाब निकल जाएगा वहीं पे जब खड़ी सामने दिखाई देगी, और वो भी उसका भाव क्रोधित रूप में होगा। बहुत कुछ चीज ऐसे हैं जो नहीं नहीं कही जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं मैं ये। और तुम क्या जानो इस चीज को कि क्या होता है क्या नहीं होता? कितनी बार उसको मैंने भैरव के मंत्र से, हनुमान जी के मंत्र से जो उनकी चीजें आई थी उनको मैंने ऐसे सफा कर दिया। क्यों? अरे भैया, साधना ही इस तरीके से थी। वो आप तो सात्विक तरीके से करो ना, तुम उस चक्कर में क्यों पड़ते हो? क्योंकि हम कोई छोटे मोटे गुरु के शिष्य नहीं है कि उठाया बस दो चार साधनाएं की और वो हुई तो हुई, और उनमें से एक आध भूत प्रेत की सिद्धि मिल गई तो बन के गुरु बैठ गए। तो ऐसे ऐसे गुरु के शिष्य नहीं है हम। दुनिया भाई भले ही चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता है ना कि हम क्या हैं या फिर हमारे गुरु क्या थे। साधना के जगत में उनका एक नाम था, एक रुतबा था, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, हर जगह सम्मानित किया जाता था। तो उस गुरु के शिष्य हैं हम, और तुम पता नहीं कहां से चले आए उठा करके मुंह और बस कमेंट करना, ये आता कुछ है नहीं, सीधा सा बोल दिया, बस बोलने में जाता क्या है। चलिए, ये थोड़ी सी बात थी, मैंने आपको बता दिया इस संबंध में। वैसे मैं नाराज नहीं हूं किसी से भी, लेकिन बस थोड़ा सा मेरे को ये आया था कि मैं आपको बताऊं कि वीर भाव क्या होता है। वीर भाव में जब आप साधना करोगे तो साधना सफल होती है। ये तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को आप लाइक करें और दूसरों को भी समझाएं, जिससे कि उन्हें और ज्ञान मिल सके। सिर्फ ज्ञान के लिए चैनल बनाया गया है ये, ना कि किसी को लूटने खसोटने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परम